चोरी मैं नहीं करता हूँ, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कहकर चोरी पवनवा करिए। ये पवन सिंह जी, गाना चोरी का बात करते हैं, आपसे ज्यादा भोजपुरी में गाना चोरी कौन किया जी? आपसे ज्यादा बड़ा चोर कलाकार भोजपुरी में और कौन है? आज हम आपको सबूत के साथ बताएंगे, 10 गाना गिनाएंगे हाथ पे अंगुली पे। सबसे पहले आप सुनने के लिए खाली तैयार रहिए, लीजिए सुनिए। पवन सिंह नहीं करते हैं तो उठवा के ललिया कहना के बोलिया कहाँ से आया, आरा के उठला लगा लू कहाँ का आया, कुछ दिन पहले झुमका तीन तालाबा सावन में आया था। और सुनिएगा, और ये सुनिए, हरी हरी ओढ़नी, जिस गाना को पवन सिंह के द्वारा उठा करके गाया गया। और इतना ही नहीं, आप भी गाना चोरी करके माफी मांगने आए थे, ये भी सुन लीजिए। और उस गलती के लिए हम आप लोगों के सामने आए हैं क्षमा मांगने के लिए कि भैया गलती केहू से हो जाला। और अब कह देते हैं कि भोजपुरी में केकर गाना पवनवा चोरी करी रे, मतलब अब दारू के नशे में स्टेज पे नहीं न चढ़ जाते हैं, अब सारा कुछ भुला जाते हैं। कहते हैं कि भोजपुरी में केकर गाना पवनवा चोरी करी रे, चोरी करके मतलब 10 गाना भी हम सुनाए ना। और दूसरा बात, आप उस व्यक्ति को स्टेज पे चढ़ाकर सम्मान दे रहे हैं जो लोग कलाकारों को गाली देता है, साथ में आपको भी गाली दिया था, धोड़ी हुरवा कहता था तो छक्का कहता था, आपको क्या नहीं ये कहा है? ये मगहिया जवान से गौतम सिंह राजपूत और समर सिंह है, हम समझ रहे हैं कि आप चढ़ाइएगा क्योंकि आपका समाज का आदमी है, लेकिन आप भोजपुरी के अपने आप को कहते हैं कि हम भोजपुरी का बड़ा कलाकार है, हम गार्जियन तुल्य हैं, लेकिन गार्जियन ही जब घर में कोई गुंडा को इन करवाएगा, अंदर लेकर आएगा, तो उस घर का इज्जत ही क्या रह जाएगा। यही मगहिया जवान भोजपुरी कलाकारों को मतलब गाली देने का काम करता है, अपमानित करने का काम करता है, निष्ठा दिखाने का काम करता है, और आप यही दोनों गुंडे को स्टेज पर चढ़ाकर सम्मानित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए दुर्भाग्य की बात है। और अब गाना चोरी का बात करते हैं कि हम गाना चोरी कर भी नहीं करते हैं। पवन सिंह जी, अब दारू के नशे में नहीं ना स्टेज पर चढ़ गए थे, आप कह रहे हैं कि भोजपुरी में गाना केकर चोरी पवनवा करी रे। और दूसरी बात, गाना चोरी करने का सबूत हम देते हैं, जो आपने मगही गाना गाया है उस मगही गाने में ही आप शुरुआत में ही चोरी कर लिए हैं कि आगे माई हरदी हरदिया दूध पातर ना, मतलब ये गाना और पहले नहीं आया था, ये गाना और गीत में गवाता है ना, और पहले वाले गाने में गवाता है, पारंपरिक गाना है। और आप कहते हैं कि भोजपुरी में केकर गाना चोरी पवनवा करी रे। पवन सिंह जी, आपका यही बात है कि आप दारू के नशे में स्टेज पर चढ़ गए होंगे और कोई बात नहीं है। और आप गोदी मीडिया को आजकल बहुत सम्मान दे रहे हैं, जो आपके सपोर्ट में आता है, खेसारी लाल यादव को गाली देने का काम करता है, वही समर सिंह और गौतम सिंह जो मगहिया जवान से आता है, भोजपुरी कलाकारों को गाली देने का काम करता है, और वही दोनों गुंडे को आप स्टेज पे चढ़ाकर सम्मानित करते हैं, ये कहीं ना कहीं भोजपुरी का दुर्भाग्य है। आप ही बोलते हैं कि हम भोजपुरी के सबसे बड़ा कलाकार हैं, भोजपुरी का गार्जियन तुल्य हैं, तो आप मतलब गार्जियन होकर घर में गुंडे को हिला रहे हैं, तो घर का इज्जत ही क्या रह जाएगा। बाकी हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं आप भी अपने विचार को कमेंट में रखें। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को सुभाष यादव शुक्रिया अदा करता है, नमस्कार। बाकी जाते जाते कमेंट में लिखेगा कि ये जो पवन सिंह बोलते हैं कि हम गाना चोरी कर भी नहीं करते हैं, दूसरी बात, जो स्टेज पे दो व्यक्ति को चढ़ाए हैं वो भोजपुरी कलाकारों को छुट्टा है मुहे गाली देता है, मतलब पवन सिंह को भी गाली दिया है, और वही व्यक्ति को पवन सिंह सम्मानित कर रहे हैं स्टेज पर चढ़ा के, तो ये कहीं ना कहीं भोजपुरी का दुर्भाग्य है। बाकी आप सब कॉमेंट में लिखिएगा।